हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल आल्स किचन। आज आपके लिए मैं जंबो क्यू कार्ड लेकर आया हूँ। जो हम आज क्यू कार्ड कवर करेंगे, फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू गॉट पॉजिटिव फीडबैक फॉर वर्क दैट यू डिड। टॉक अबाउट एन आर्टिकल विच यू हैव रेड अबाउट हेल्थ। डिस्क्राइब एन रेजोल्यूशन दैट यू मेड ऑन न्यू ईयर। ओके, जो ये फोर क्यू कार्ड मैंने आज कवर करने हैं, इसको ध्यान से देखो। हमें आइडिया क्या लेना है, हेल्थ पे लेंगे हम आइडिया। हेल्थ पे क्या करेंगे हम, पहले ओबीस थे, ठीक है। मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया जिमनास्टिक के लिए, तो मैं जिम एक्टिविटी की, जिससे मेरी इंप्रूवमेंट आई, ठीक है। मेरे पॉजिटिव चेंज भी आ गया मेरे में, ठीक है। एक मैंने पॉजिटिव फीडबैक भी लिया, जैसे मैंने जिम वर्क किया और मुझे अच्छा फीडबैक मिला वहाँ पे, जो मैंने वर्क किया था उसका। एंड हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल भी आप इसी पे बना सकते हो कि ओबेसिटी पे मैंने आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर पे। रेजोल्यूशन भी आप यही बना सकते हो कि मैंने हेल्थ पे ही एक रेजोल्यूशन बना ली थी कि मैंने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है इसी साल, एक फिट एज फिटल बनना है। ओके, जो वो कैप पहले यूज़ होगी, पहले वो देखते हैं हम। देखो, पहले पॉजिटिव चेंज है। पॉजिटिव चेंज को हम कंस्ट्रक्टिव चेंज भी कह सकते हैं। आगे आप चेंज के सोने में यूज़ कर सकते हो, जैसे अल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, जब हम कह देते हैं टू स्टे हेल्थी, जब अगर स्टे एज हेल्थी, तंदुरुस्ती जिसे हम कह देते हैं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो फिट एज फिटल या हेल एंड हेल्थी भी आप कह सकते हो उसको। ओके, नेक्स्ट है क्रैक ऑफ डॉन। क्रैक ऑफ डॉन का मतलब है जो अर्ली मॉर्निंग आप कोई काम करते हो, जैसे आप कहते हो आई एम अर्ली बर्ड भी आप यहाँ पे कह सकते हो। जैसे आप 5 o'clock उठते हो, तब आप कहते हो क्रैक ऑफ डॉन या अर्ली बर्ड भी आप कह सकते हो। बिजी शेड्यूल को हम हैक्टिक शेड्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने एक आइडिया का एक फ्लो चार्ट बनाया, ध्यान से देखो। मेरा ओबीस पर्सन था, मैंने ओबेसिटी आई हुई थी, तो मुझे क्या होता था, अवफुल फील होता था, अवफुल मुझे बैड फील होता था। एंड एवरीवन क्या करता था, मुझे टीसी चढ़ाते थे सारे, मुझे मोटा मोटा कह के, ठीक है। डाउन द डम्स मूवमेंट थी, यानी कि सैड मूवमेंट थी मेरे लिए। उसके बाद मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया इन ऑर्डर टू स्टे हेल्थी, अब देखो सारे किया क्या अगर हो जाएंगे। फर्स्ट, मेरे पास पॉजिटिव चेंज भी आ जाएगा कि एक मैं हेल्थी बन गया पर्सन, एक पॉजिटिव चेंज आया मेरी लाइफ में। और पॉजिटिव फीडबैक मुझे यही मिला, जब मैंने जिम में एक वर्क किया तो मुझे उसका पॉजिटिव फीडबैक मिलना ही था, मेरे फ्रेंड से ही मिला इवन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टॉक अबाउट आर्टिकल। आर्टिकल के भी कवर हो जाएगा, आपने ओबेसिटी पे एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में, आप उसके ऊपर बोल सकते हो। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन जो आपने मेड की हो एक न्यू ईयर पे। प्लीज़, इसका आइडिया सेम हो सकता है लेकिन एक्सप्लेन करने का वे डिफरेंट होगा। जो आज मैंने क्यू कार्ड एक्सप्लेन किया है वो है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू स्टे हेल्थी। ओके, स्टार्ट द क्यू कार्ड। Due to the over-dependency on technology, people have starting adopting a sedentary lifestyle. कहते हैं जैसे हम over-dependency हो गए हैं टेक्नोलॉजी पे, तो people क्या adopt कर रहे हैं, sedentary lifestyle। इनकी क्या है sedentary lifestyle, क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना किसी पे depend हो जाते हैं। ओके, इट हैज़ मेड them prone to का मतलब शिकार हो जाना chronic diseases, ओके, such as obesity. I do not want to face such an issue in my life. However, due to my hectic lifestyle, I am unable to spare time to join the gym. मेरे जब हैक्टिक शेड्यूल होने के बाद मैं जिम पर टाइम स्पेंड नहीं कर सकता था। Therefore, I started doing an activity in order to stay healthy भी आप कह सकते हैं यहाँ पर। It is taking stairs instead of an elevator. कहते हैं मैं स्टेयर्स पर चढ़ना शुरू करता हूँ instead of किस पे, elevator, या लिफ्ट वगैरह पर आप कह सकते हैं यहाँ पर। It is a simple activities, but people do not do it often. People कहते हैं इसका नहीं पसंद करना चाहते, किसके लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है। Everyone prefer to take either lift or escalator, even if they have to go on the first floor from the ground floor. Okay. In contrast, I used stair only. Initially, I did it in the mall because the lifts were crowded. कहते पहले मैं मॉल में जाता था, वहाँ पर मैंने स्टेयर उतरनी कुछ स्टार्ट की, इंस्टेड ऑफ किसके लिए, लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए। However, I got to know about its benefit when I went hiking with my friends. जब कहते मैं हाइकिंग भी अपने फ्रेंड के साथ गया था, तो मैं उसके बेनिफिट्स के बारे में पता लगा था। ओके, माई फ्रेंड कुड नॉट डू हाइकिंग प्रॉपरली, कहते मेरे जो फ्रेंड है उसको हाइकिंग नहीं कर सकता था प्रॉपरली। वेयर एज आई डिड नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम दैट टाइम, कहते मुझे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। देन वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ध्यान रखो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स एस आई ई पॉइंटेड द रीज़न बिहाइंड इट। ही सेड I usually take stairs whenever I go, but the rest of them had become over dependence on technology. I was really happy with my habit. कहते हैं जैसे happy moment, feel moment हुई। अब happy को आप क्या कह सकते हो, इलाइट भी आप कह सकते हो यहाँ पे। ओके, आफ्टर दैट इंसिडेंट माई फ्रेंड ऑल्सो स्टार्टिंग टेकिंग स्टेयर्स रादर दैन यूजिंग टेक्नोलॉजी।
Apart from this, I have searched about my habit on Google. Climbing stairs improves the amount of good cholesterol in our blood. Not only this, but it also helps in maintaining healthy body weight. I was happy to know that taking stairs reduces the risk of heart diseases. I believe everyone should do something to be as a hale and hearty, a hale and healthy भी आप कह सकते हो यहाँ पे. Joining yoga and dance classes is also beneficial. Okay. एंड पे आप अगर एक्सटेंड और भी करना चाहते हो तो उसके लिए आप और बेनिफिट्स भी बता सकते थे. प्लस आप अपनी किसी भी गाइडेंस के बारे में भी बता सकते थे यहाँ पे. फॉर मोर अपडेट द आईएलटीएस ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.